अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू परिस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो चिकन बॉल्स। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, ये बच्चों की भी फेवरेट होते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बॉल में 1/2 kg आलुओं को बॉईल करके ले लिया है। मैशर की मदद से आलुओं को मैश कर लेंगे। आलू हमारे अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। आप इसमें एक अंडा, 1 कप श्रेडेड किया हुआ चिकन, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल करेंगे। इसके अलावा 2 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 2 टेबलस्पून भरी कटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। इसको भी आलुओं के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आलुओं में थोड़ी गुठली होनी चाहिए। अब हम आलुओं के छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। आप अपनी मर्जी से भी इनको शेप दे सकते हैं। हमारी शेप्स रेडी हो चुकी हैं। फ्राई करने से पहले 1 कटोरी में अंडा और प्लेट में कोटिंग के लिए मैदा लेंगे। सबसे पहले बॉल्स को अच्छे से मैदा लगाएंगे और अंडे में डिप करेंगे और गरम ऑयल में डालते जाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे। क्योंकि आलू तो हमारे पके हुए हैं, इसलिए इसको बस 2-3 मिनट के लिए ऊपर से फ्राई करके निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी बॉल्स को भी फ्राई कर लेंगे। तो हमारे पोटैटो चिकन बॉल्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही टेस्टी तैयार हुए हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।